लेकिन YouTube के पहले आप क्या करते थे? कि मैं YouTube से पहले स्टार्टिंग जो हमारा काम था, मैं सर पे टोकरी लेकर के ट्रेन में कुछ सामान भेजता था, नींबू वगैरह हो गया। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज मेरे साथ जिनको देख रहे हो फ्रेम पे, इनका नाम है चैनल का मोंटी व्लॉग्स। ठीक है, मोंटी भाई यहाँ पर जो है धनबाद आए हुए थे। इनका दरअसल घर है डाल्टनगंज, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो कल ये आए थे कुछ काम से धनबाद, लेकिन मैंने जैसे ही पता चला कि ये आए हुए हैं, घर जाते टाइम मुझे कॉल किए थे, तो मैंने कहा भाई मेरे घर आ जाओ, भेंट मुलाकात कर लो, उसके बाद निकलना। तो फिर ये मेरे घर आए, घर आकर के फिर मैंने बोला कि एक दिन आप रुक जाओ। तो फिलहाल अभी एक दिन हम लोग यहीं पे थे, एक शादी था फ्रेंड का, वहीं हम लोग गए हुए थे। तो दोस्तों, जब ये मेरे घर पे ही थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ एक इंटरव्यू शूट किया जाए, जिससे क्या हुआ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा यूट्यूब के बारे में, जो इनका जिस कैटेगरी पर चैनल है, अगर आप उस कैटेगरी के बारे में कुछ सोचते हो या फिर ये कैसे यूट्यूब पर सक्सेस किए। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, इनका चैनल का सब्सक्राइबर अगर बेस की बात वो है 2.4 मिलियन और ये भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, 2.4 मिलियन इनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स है और इनका जो कैटेगरी है वो बाइक कार ये सब का मेन कैटेगरी है। ठीक है, बाइक कार से रिलेटेड वीडियोज। तो आज की इस वीडियो पे चलिए अभी मोंटी भाई से एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा यूट्यूब से रिलेटेड एंड इनसे पूछेंगे इनका मंथली इनकम कितना है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मंथली इनकम कम नहीं होगा। तो मोंटी भाई पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए पहले। तो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मोंटी ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? तो ये है हमारा इंट्रो। ओके, बताइए क्या जानना चाहेंगे। तो पहला जो है मोंटी भाई से चलिए कुछ बस कैजुअली हम लोग बात करेंगे, कोई सवाल वाल नहीं है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा सा YouTube के बारे में नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले ये बताइए कि पहला क्वेश्चन यही है कि YouTube पे आने का जो आइडिया है वो आपको कैसे मतलब आया था कि YouTube पे मुझे चैनल खोलना चाहिए? अच्छा, YouTube पे किसी देख के ही आदमी सीखता है। ठीक है, तो हमारे एक महान यूट्यूबर है जो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, धर्मेंद्र सर। बहुत लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते होंगे, बस वो एक लिस्ट लेकर के बैठे थे पेपर में और बता रहे थे कि आप में अगर जो कंटेंट है, टैलेंट है, वो काम आप कर सकते हो, मस्त बता रहे थे। मतलब वो चीज़ दिल में बैठ गया। कैसा होता है कि कोई गुरुजी है, अगर उसका बात कुछ अच्छा लगता है तो आप वो चीज़ करने निकल जाते हो। तो ऐसे ही मैंने उनका वीडियो देखा और फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि जब ये बोल रहे हैं सर बैठ करके, धर्मेंद्र सर, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, कोशिश करने में क्या। वो वीडियो देख के आप इंस्पायर हो गए? हाँ, इंस्पायर हो गए कि मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, तो सेम सीन मेरे साथ भी था, मैं भी इंस्पायर धर्मेंद्र सर से ही हुआ था, उन्हीं का वीडियो देख करके। वो तालाब के किनारे में वीडियो बना रहे थे, तो मैंने देखा यार जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं? उसी तरह मोंटी भाई भी उन्हीं से इंस्पायर हुए। उनसे एक्चुअली अगर बात करें ना, रियल बात, रियल फैक्ट, उनसे काफ़ी ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर यूट्यूब चैनल ओपन किए हैं। ठीक है, जो अभी अच्छा खासा पोस्ट पर है, तो लेकिन कभी बोलते नहीं है खोल के। ये चीज़ मैंने पहले भी बोला हुआ है, छोड़िए वो सब बातें साइड करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि मोंटी भाई, जो आपका जो कैटेगरी है वो है आप बाइक कार, सेकंड हैंड बाइक्स, कार्स, ये सब से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, तो ये वाला आपका कैटेगरी का आइडिया कैसे आया था कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए? एक्चुअली जब मैं भी स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन मुझे उससे कुछ दिल भरा नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो मेरा वीडियो देखे तो लोगों को काम आए। मुझे नाम नहीं चाहिए था, मेरे को काम प्यारा था। तो मैंने उस चीज़ को सिलेक्ट किया कि लोगों को अभी क्या जरूरत है। जैसे आप टेक चैनल में यूट्यूबर लोगों को बहुत पसंद है कि मनोज दे कुछ ऐसा नॉलेज देते तो मोटिवेट होते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए कि लोगों तक पहुंचे, बोले कि हाँ ये सही है। तो मैंने भी वही एक बाइक कार का वीडियो स्टार्ट किया बनाने के लिए, कुछ अलग करना। जब आपके दिल और दिमाग में रहेगा कि मुझे कुछ अलग करना है तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। जब आपने चैनल खोला था शायद झारखंड में ऐसा कैटेगरी का कोई चैनल नहीं था? नहीं, किसी का भी नहीं था। नहीं, वो पहला लड़का हूँ मैं झारखंड का कि सेकेंड हैंड कार बाइक को मैंने लॉन्च किया था, झारखंड का बता रहे हैं भाई, ऑल का तो पता नहीं। फिर वहां से मेरा जो निकला तो मैं निकल गया। चलिए, अभी बहुत अच्छा खासा इनका चैनल चल रहा है। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो मोंटी भाई, आप ये बताओ कि YouTube, तो अभी तो आप एक अच्छा खासा यूट्यूबर हो, आपका अच्छा खासा इनकम भी आ रहा है, आप लेकिन YouTube के पहले आप क्या करते थे? YouTube के पहले का भाई कहानी बहुत दूसरा अजब है। ये वाला स्टोरी इसीलिए मैं आपको बताने बोल रहा हूँ ताकि इससे इंस्पायर हो, मोटिवेशन मिले लोगों को। कि मैं YouTube से पहले स्टार्टिंग जो हमारा काम था, मैं सर पे टोकरी लेकर के ट्रेन में कुछ सामान भेजता था, नींबू वगैरह हो गया, जो हमारे एरिया में रहते थे और पैसे का भी किल्लत था बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही बुरा था हमारा, मतलब सही से कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर वेल्डिंग का काम किया, मतलब बहुत सारा ऐसा काम किया। भी हमारे पेपर में एक आर्टिकल भी छपा था कि वेटर का भी काम किया हुआ शायद। हाँ, वेटर का भी काम किए जयपुर में जा करके। तो इंस्टाग्राम में फोटो डाला हुआ है, देख लीजिएगा जा करके। तो वेटर का बहुत ऐसा काम किए भाई, गाड़ी ड्राइवरी करना और क्या बताए, काम तो बहुत सारा किए बट याद नहीं है। हर काम को मैंने नॉलेज लिया,
मनोज भाई ये चीज है, अगर आप जिंदगी में कुछ करना है तो हर एक काम को करो, कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, और कोई काम छोटा नहीं होता। तो मैं वैसे ही करते करते बढ़ा, लेकिन वहां से मुझे पता है एक चीज क्या फायदा हुआ मेरे को, हिम्मत मिला कि मैं आगे जाके वो काम को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये सही बात, अगर मान लीजिए इनके साथ भी करना पड़े वैसा काम तो ये कर सकते हैं, मतलब इनका कहना यही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अब मेन क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, ठीक है, जो कि पब्लिक वेट कर रही होगी बहुत देर से। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे अभी आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो, तो आपका अर्निंग सोर्स क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हो इस कैटेगरी पे? देखिए, अर्निंग सोर्स के लिए मैं पहला एक चीज अपने तरफ से बताना चाहूंगा कि मैं कभी यूट्यूब में सोच के नहीं आया था कि अर्निंग भी कोई नाम का चीज है। बस एक सर बताए थे, धर्मेंद्र सर, कि आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद से मैं उस काम को अंजाम दिया, फिर अर्निंग। तो भाई आप तो जान रहे हो, यूट्यूबर जो यूट्यूबर है वो भी जान रहे हैं कि एडसन से अर्निंग आता है। ठीक है, प्लस जब आप और हाई लेवल पे चल जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप भी आने लगता है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपका वहां पे माइंड खुलते जाता है कि और क्या करें। जब आप सोशल नेटवर्क में आओगे ना तो हर तरह से रास्ता खुलते जाता है। अब देखो मैंने क्या क्या किया, पहला यूट्यूब स्टार्ट किया, ठीक है, दूसरा फेसबुक पेज में अप्लाई किया, फेसबुक पेज में भी बहुत अच्छा, आज 15 लाख उसमें भी फॉलोअर होने वाले हैं, 1.5 मिलियन फेसबुक पे भी फॉलोअर है इनका पेज। उसके बाद फिर सुनिए, मैंने वेबसाइट लॉन्च किया, ठीक है, खुद का वेबसाइट, उसमें आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया कार के बारे में, वो भी बहुत अच्छा ग्रो किया। ठीक है, तो ये इनकम हो जाता है हमारा उधर से, प्लस मैंने काम करते करते खुद का ब्रांड बना लिया एक shopmontyblogs.com से, जो कि आज एक दिन आपको जरूर मैं शर्ट दूंगा पहनने के लिए। मोंटी भाई अभी जो है शर्ट ये सब का सेल करने के लिए एक अपना ई कॉमर्स साइट भी ओपन कर चुके हैं, माई ये शॉप montyblogs.com ना, तो अभी खुद का ये भी बिजनेस है, प्लस स्पॉन्सरशिप प्लस एडसेंस, मतलब इतना सारा सोर्स है जहाँ से ये पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से। अब यहाँ पर आता है बात, कितना कमाते हो, कितना कमाते हो अभी, महीने का आपका क्या इनकम आ जाता है? देखिए, महीने का इनकम मैं डॉलर में बता दूं या फिर नहीं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब और बता दूं? नहीं, आप वो छोड़ो, आपसे रिक्वेस्ट है ना, मैं पब्लिक को सीधे दिखा दूं यहाँ पे। चलो मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ यूट्यूब का दिखा देता हूँ। हाँ, ओनली यूट्यूब का, फेसबुक का भी, फेसबुक का मैंने ऑलरेडी एक बार दिखाया हुआ है, आपका पेज का ही दिखाया था, बट आज भी दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ बोलना कुछ नहीं है। मंथली इनकम अभी आप लोग यूट्यूब का देख सकते हो, ये डॉलर आप लोग कैलकुलेशन कर लेना इनटू 75 के साथ, ठीक है, अभी एक डॉलर का प्राइस जो है 75 है। तो ये हो गया यूट्यूब इनकम, प्लस अभी फेसबुक का इनकम जो है इनका $1000 अप्रोक्स आ जाता है, ठीक है, वो भी स्क्रीनशॉट में अगर मिले तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो आप लोग टोटल जोड़ लेना, ठीक है, 1500 यूट्यूब से, मतलब कि घटता बढ़ता रहता है ये तो सारा फिक्स नहीं रहता, बाकी $1000 जो है फेसबुक, मतलब मिला जुला के अच्छा खासा इनकम हो जाता है, जो कि आप समझ सकते हो आज से यूट्यूब से पहले क्या क्या करते थे, उसमें आपको मैक्सिमम पेमेंट कितना था जो आप काम किए थे? जब हम स्टार्टिंग किए तो मेरा 1.5 साल बाद पेमेंट आया था, करीब 7,000 या 8,000 रुपए आया था। 1.5 साल में 7-8,000? हाँ, 1.5 साल में आया था, अचानक से थोड़ी ग्रो किया था मैंने। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप काम करते थे कुछ, हाँ, जैसे कोई भी काम करते थे ना, हाँ, ट्रेन में आप बोल रहे थे, अच्छा, तो महीना में आप कितना कमा लेते थे? मतलब उस टाइम कोई मतलब कमा नहीं पाते थे वैसा, मतलब काउंट तो उस टाइम याद नहीं है, लेकिन हाँ पर डे मतलब 150-200, मतलब 6-7,000 ऐसे करके कमा लेते। मंथ का मैं काउंट नहीं किया कभी, कभी जाना का मार्केट में जाके बेचना, तो कभी नहीं जाना, ऐसा होता था। ये वाला बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई जब ये अपना काम करते थे उस टाइम इनका मंथली इनकम 5,000 से 10,000, मतलब उसी के बीच में वेरी करता था। वही चीज इसाक मुंडा के साथ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसाक मुंडा भी पहले दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, और ये भी लाखों रुपया अभी सोशल मीडिया एज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सारा भी है जहाँ से ये पैसे कमा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो ट्रैक है, ये जो सोशल मीडिया है, ये अभी काफ़ी बड़ा एक बिजनेस बन चुका है एक्चुअली, ठीक है। लोग तो यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा ही रहे हैं, लोगों को कंटेंट दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना मंडी में, जो रियलिटी है, ठीक है। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, ये एक बिजनेस बन चुका है, ठीक है। चाहते हैं भाई कि आप लोग आगे बढ़े, लेकिन हाँ कब आगे बढ़िएगा आप, कि जब आप खुद का कंटेंट, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप कुछ अलग, हाँ कुछ अलग जो आप अपने माइंड में गोल सेट करके रखे वो करने के बाद ही, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं चलता, कॉपी कॉपी ही रह जाता है। बस, बस। ये भाई मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे किसी से हेट है, अगर मनोज दे टैग बना रहा है, अगर मैं चाहूंगा कि भाई इसका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और इसी का कॉपी करूंगा तो आगे वही रह जाएगा, मनोज और ऊपर चल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपके माइंड में गोल है, जो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के वीडियो बना रहे, अगर उसमें दिल लग रहा है तो वो काम कीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती किसी और का देखे तो ये नहीं चलेगा, तभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये चीज मानते कि नहीं? एकदम बिल्कुल, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसपे आपको मजा आता है, जो आप सकोगे, जिसमें आप टैलेंट है, वही काम कीजिए। मैं तो हर एक बताना चाहूंगा, मैं अपने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं फोन रखूंगा 1.5 लाख का, कभी लाइफ में नहीं। मनोज भाई अभी मोंटी भाई के पास भी जो है iPhone 12 Pro Max
देख सकते हो ये मेरा खुद का कमाई का है भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहीं काम भी करके भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आज मेरे पास गाड़ी है, मतलब फैमिली सपोर्ट अच्छा है। जब आप काम करोगे ना तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, ठीक है। तो काम पे फोकस करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने मोंटी भाई से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, जिनका कि इन्होंने आंसर किया, जिससे मैंने बस ट्राई किया है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। इस फील्ड में अगर आप एक नए क्रिएटर हो, आपने चैनल ओपन किया है, तो आपको एक जुनून जज्बा मिले अंदर से कि नहीं मुझे भी करना है, ठीक है। बाकी मोंटी भाई ने सब कुछ दिखा दिया कि यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं, क्या क्या अभी इनके पास है जो कि पहले नहीं था, और साथ ही इनका वेबसाइट सब कुछ अभी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। आई होप आपका आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, और इसी तरह के वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। और भी कोई क्रिएटर आएगा जिनसे मैं मिलूंगा, उनका भी इंटरव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही मोंटी ब्लॉग्स चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैंने टैग कर दिया है, आपको ब्लू वाला आइकन दिख रहा होगा साइड। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।